और गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर के 3 दिनों के दौरे का आज आखिरी दिन है। आज राज्य के हालात को लेकर अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिले। उन्होंने मैतेई समुदाय की महिलाओं से चर्चा की। इसके बाद शाह ने राज्य की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में जारी हिंसा के हालात की समीक्षा की। इसके साथ गृह मंत्री ने कल अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भारत म्यांमार सीमा पर मोरे और कंगपोकवी इलाकों का दौरा किया, जहां राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा फैली है। दोनों जगहों पर उनसे मिलने के लिए हजारों लोग निकल आए। इस यात्रा में शाह ने कुकी नागरिक समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बीच अमित शाह ने जोर दिया है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी, मृतकों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। चेन कुकी मिजो समुदाय को 15 दिनों में राजनीतिक समाधान का आश्वासन दिया। बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन को फिर से शुरू किया जाएगा। शाह की 3 दिनों की यात्रा का आज अंतिम दिन है। शांति बहाली और विश्वास पैदा करने की दिशा में ये यात्रा अहम मानी जा रही है।